तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब कर रहे हो और इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका प्राइवेट सेक्टर का भी होता है या सिर्फ गवर्नमेंट का होगा, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे वो एक MNC कंपनी हो, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी सेक्टर का हो, तो जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आपका डेफिनेटली सी बात है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन गवर्नमेंट से भी होता है। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कोई भी आपको कोई जॉब मिली है और उसका आपको एक्सपीरियंस देना है, मतलब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक्सपीरियंस देना है, जैसे इनकम टैक्स में होता है, IT की कई सारी जॉब्स होती हैं, मैकेनिकल की होती हैं, सिविल्स की होती हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, बट उसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि आपका इतना साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो उस केस में आपका प्राइवेट सेक्टर का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, लेकिन अदर जो नॉर्मल जॉब होती है जैसे कि कोई रेलवे की जॉब हो गई, कोई SSC की जॉब हो गई, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो एज अ फ्रेशर गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है या एज अ न्यू एम्प्लॉय गवर्नमेंट में जिनका सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है और ना वो गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि आपका प्रीवियस कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसा मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं होता है, बस आपका आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट में जो अप्लाई कर रहे हो, वो कुछ भी फेक नहीं होने चाहिए, 1% फेक नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप 100% पकड़ जाओगे। एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, बंदों को भेज के आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं, आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में कभी भी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स अप्लाई ना करें ताकि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है वो कहीं चली ना जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपकी प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर कभी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती है, बस वो एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। और अगर आप IT सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट के की जॉब देख रहे हैं तो नीचे मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो और मेरा बेस्ट रिज्यूमे भी नीचे पड़ा हुआ जो आपको 100% शॉर्ट लिस्ट दिलाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हो उसमें सारा कुछ CV का डिटेल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।